नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को अपना केस बताने के लिए आई हूँ कि हमारा केस कहाँ तक पहुँचा और हमारा केस क्या है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि जो हमारा केस था वो जान से मारने की हम दोनों को कोशिश किया गया, वो भी हमारे घर में घुस के। अगर मान के चलिए कि हमारी जान चली जाती उस दौरान, भगवान बचा लिए उस टाइम, हमारे बच्चे उस टाइम घर में मौजूद नहीं थे, उस दौरान हमको जान से मारने की कोशिश किया गया, वो दृश्य मैं भूल नहीं पाती हूँ। मेरे को जब वो दृश्य याद आता है ना तो मेरे को वही सी हाल हो जाता है। और उसके बाद डेढ़ दो घंटा पूरा माँ बहन पूरा मोहल्ले वाले सबको गाली गलौज हुआ, यहाँ तक कि जब हम अपने हस्बैंड को लेके कमरे में बंद हो गई थी उस टाइम भी लोग हमारे गेट के पास आके उनके भाई सब गेट के पास आके ललकार रहे थे कि निकाल अपने पति को बाहर निकाल, क्यों घुसा ली अंदर, ऐसा बोला जा रहा था। सोचिए, तो कोई भी इंसान अगर किसी को जान का खतरा होगा तो वो पुलिस के पास ही जाएगा ना, किसके पास जाएगा? जब आपके माँ बाप सहाय ना बने तो आपको कहाँ जाना चाहिए, आप ही बता दीजिएगा। तो हम लोग भी पुलिस के पास गए जब हमारे बच्चे आ गए थे, 17 तारीख को आए, और ये घटना 16 अगस्त का ही है। और 17 अगस्त के हमारे बच्चे आ गए क्योंकि वो 16 अगस्त को वो ट्रेन में चढ़ चुके थे। मैं इतनी मतलब सहम गई थी, इतने डर गए थे हम दोनों मियाँ बीबी कि हम अपने बच्चों तक भी नहीं बता पाए। जब 5 बजे भोर में मैं बच्चों को बताई हूँ तब जाके वो जाने हैं, उसके बाद में जब आए हैं तब तो आप लोग सब वीडियो में देखे ही हैं। हमारा जो FIR हुआ थाने में, वो हम लोग बताएं कि हमारा जान लेने की फुल कोशिश किया गया है, और वो प्लानिंग करके किया गया है क्योंकि हमें सब दिख गया कि कैसे कैसे क्या हुआ है उन बीते दिनों में, 5-6 दिन से जाके जो किया जा रहा था मायके में सब कुछ दिखा, मैं आपको बताई भी हूँ। तो इतना कुछ होने के बाद इंसान जाएगा पुलिस प्रशासन के पास। तो हम लोगों का FIR 18 तारीख को हुआ, 18 तारीख के जब हमारा FIR हुआ, 19 तारीख को थी राखी, ठीक है। और हमारा FIR लिखा गया कि हमको जान से मारने की कोशिश की है, उस दौरान हमारे कपड़े फटे, ना कि मैं बोली हूँ कि हमारे कपड़े फाड़े गए हैं, ऐसा मैं नहीं बोली हूँ, ये मैं आप लोगों को वीडियो में भी बताई हूँ। तो 18 तारीख को रिपोर्ट तो हमारा दर्ज हो गया, 19 तारीख को राखी था, 19 तारीख को शाम को ब्लेम लगता है हमारे पूरे फैमिली पे, हमारे हस्बैंड पे, हमारे बच्चों पे कि हमें निर्वस्त्र करके दुष्कर्म किया गया है, पता नहीं क्या क्या चीज़ है। वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा जो आप लोगों को पता है। हमारा जो केस बना है वो बहुत ही छोटा केस है, मतलब बहुत छोटा केस बना है। जो ये हमारे बच्चों पे इल्ज़ाम लगाई है, हमारे हस्बैंड पर लगाई है, इनका केस बहुत बड़ा है। इनका केस से हम लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है, बहुत परेशानी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितना परेशानी हो रहा है। और आप लोगों को पता ही है कि वो इल्ज़ाम क्यों लगा है। तो इन सब दौरान मेरा माइंडली टेंशन, मेरे पूरा परिवार का चेहरे का खुशी उड़ गया है, आप लोगों को तो दिख ही रहा है। और हमारा पूरा परिवार इस टाइम बहुत ही परेशान है। इसमें वो लोग बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हुआ तो इसके लिए हुआ तो इसके, ये सब तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे जान लेने का कोशिश किया गया, इसके वजह से हम FIR दर्ज कराएं, ठीक है। और वो अपने जो FIR कराई है वो पता नहीं किस लिए कराई, हमको नहीं पता है, लेकिन वो इतना बड़ा इल्ज़ाम है, इंसान उसमें ज़िंदगी भर फंस के रह जाएगा, एक दो दिन का खेल नहीं है, आप लोगों को पता ही है। तो बहुत बड़ा एलिगेशन है हमारे फैमिली के ऊपर, और इस टाइम हमारे फैमिली पे मान के चलिए क्या बीत रहा होगा आप लोग देख ही रहे हो। हम लोग ना ढंग के खाना खा रहे हैं, ना ढंग के कहीं मतलब रह पा रहे हैं, जो काम के लिए आए हैं वो भी हमारे काम में मन नहीं लग रहा है, इतना टेंशन हो गया माइंडली कि मैं क्या बताऊं। हर दिन कुछ ना कुछ नया ही प्रॉब्लम हो जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इस दौरान इतना परेशानी हम लोगों के ऊपर आया है कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती, इतना परेशानी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगी कि जितना भी हमारे अगल बगल का लोग हैं जो कॉल कर रहे हैं, कई दिनों से कॉल कर रहे हैं, मैं पिछला वीडियो में आपको बताई भी थी कि हमारे मोहल्ले वाले फ़ोन कर रहे हैं, रिश्तेदारों के पास फ़ोन ये करवाई थी, और हमारे बहुत से दोस्त जो सब्सक्राइबर दोस्त हैं वो भी बोल रहे हैं।
और बहुत से मतलब हर जगह से जो जान रहा है कि हाँ ऐसा हो गया है, तो सब कोई हमको समझा रहा है, हमारा पूरा फैमिली को समझा रहा है। तो जितने भी लोग इस दौरान समझा रहे हैं सब यही बोल रहे हैं कि मतलब इसमें कुछ रखा नहीं है, आप लोग संभल जाइए, संवर जाइए तो अच्छा है, नहीं तो इसमें पूरी की पूरी लाइफ कट जाती है। सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, और वो भी जो हमारे मोहल्ले के लोग कॉल कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार जो कॉल कर रहे हैं, हमारे नंदे जो कॉल कर रही हैं, वो भी बहुत समझाई, आप लोग भी बहुत समझाएं। तो उस पर हम लोग सोच विचार किए हैं, और इनके जो भाई बंधु आए थे मोहल्ले वालों के पास, तो वो बोले हैं कि आप लोग जहाँ बोलोगे वहाँ हम लोग माफ़ी मांग लेंगे और अपना केस आपस ले लेंगे हम लोग, आप भी अपना केस आपस ले लो। तो मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ दोस्तों कि अगर वो अपना केस आपस ले रही है, तो मैं ये आप लोगों के सामने, जनता के सामने, पब्लिक के सामने बता रही हूँ कि मैं भी अपना केस आपस ले लूँगी। अगर वो अपना केस आपस ले रही है तो मैं भी ले लूँगी, इसका गारंटी मैं आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि मैं भी ये नहीं चाहती लड़ाई झगड़ा, क्योंकि हमारे पास भी बच्चे हैं, क्या करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। और ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि हमारे घर परिवार का खुशी चैन सब कुछ छीन गया है। तो जब ये आपस ले रही है, माफ़ी मांग रही है, तो मैं भी अपना केस को वापस ले लूँगी। तो आज ही कॉल आया था, और उसके बाद लाला जी भी कॉल किए हैं। लाला जी बोले कि अगर वो लोग माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, केस आपस लेने के लिए तैयार हैं, तो मैं भी केस ले लूँगा आपस, क्योंकि हमें भी नहीं लड़ना है ये सब कोर्ट कचहरी। इन एक महीना में जो दिन नहीं देखना चाहिए, जहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ हम लोग वो कर चुके हैं, ठीक है। तो इन सब से हम लोग बहुत परेशान हैं, और आप लोगों को पता ही है कि ये केस फौजदारी वाला काम सालों साल, 10 साल चलता है। मैं शुरू में ही बताई थी आप लोगों को कि जो वकील बताए हमारे कि इसमें दोनों पक्ष की बहुत परेशानी होगी, दोनों पक्ष की। आप सोच रहे हो कि एक लोगों की परेशानी होगी, तो आप ही का अकेले नहीं होगा, ना उनका अकेले होगा, आप दोनों इसमें पीस के रह जाओगे और बहुत बुरा रिजल्ट उसका आएगा। फिर आप लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा, ना आपके पास ना उनके पास। अगर ये केस आपस ले रही है तो कोर्ट कचहरी में उसका कागज बनेगा, ठीक है, कोर्ट में ही कागज बनेगा कि हमारे ज़िंदगी में ये दखल अंदाज नहीं देगी और हम इनके ज़िंदगी में दखल अंदाज नहीं लेंगे। और आप में से बहुत से लोग बोल रहा है कि अपना अपना रास्ते अलग कर लो, तो वैसा हमारा घर का बंटवारा नहीं हुआ है, वो अलग नहीं हो सकता, ठीक है, वो अलग नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा बांटा गया है, दो ऊपर दो नीचे, आंगन कॉमन है, लेटरिन बाथरूम कॉमन है, आने जाने का रास्ता कॉमन है, तो ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। और हमको जो बोले हैं हमारे ससुर जी कि इनके बाल बच्चे इनके हस्बैंड को देख ही रही हो, मियाँ बीवी दोनों को देख ही रही हो, एक ही में घर बनेगा तो सबका गुजारा होगा, तो उनका मैं बात मानी अपने गार्जियन का और आज भुगत रही हूँ, लेकिन उससे कोई बात नहीं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत बोलिए कि अपना रास्ता अलग कर लीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को बताते आ रही हूँ सब बात। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा केस जो था ये बहुत ही छोटा केस था, इनका बहुत बड़ा केस है। अब कुछ लोग इसमें अलग अलग तर्क वितर्क लगाएंगे कि ऐसा क्यों बोल रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो, तो मैं सबसे पहले कहते नहीं है, अपना देखना पड़ता है सभी को कि चाहे भले ही कुछ भी हो गया हो, केस हो गया, फौजदारी हो गया, लेकिन कहते नहीं है बर्बाद तो दोनों के ही होना है, दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। और ये हमें आप लोग भी बताएं, हमारे गांव नगर के लोग बताएं, रिश्तेदार भी बताएं, सबको, देखिए सबको पता है ये चीज़ होना है। हम भी सोच रहे थे कि बताइए हम किससे लड़ेंगे, लेकिन जब वो केस अपने बोल ही रही है, अगला पहल वो कर ही दी है कि हमको ले लेना है केस आपस, माफ़ी भी मांग लूँगी, तो चलिए कोई बात नहीं, वो भी सुखी से रहे, मैं भी अपना सुखी से रहूँ, कोई किसी का ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना ले, जो मर्जी करे वो करें, जो मर्जी करे हम करें। आप लोगों का, बहुत से दोस्तों का ये भी है कि इसका क्वेश्चन का जवाब नहीं दी, उसका क्वेश्चन के नहीं जवाब दी, अगर जो जो आप क्वेश्चन पूछिएगा उसका जवाब भी दे देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते। और उसके बाद जब ये कोर्ट में हो जाता है सब मामला, लिखित रूप में ही होगा, क्योंकि ना हमें उन लोगों पर भरोसा है, ना उन लोगों को हम पे भरोसा है, तो
तो ये भरोसा बनाने के लिए, मतलब किसी को किसी पर भरोसा नहीं है, तो कोर्ट से ही काम होगा तो ही अच्छा होगा, जो भी होगा लीगल तरीके से, कि हाँ किसी के ज़िंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं देगा। और हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम कभी भी ज़िंदगी में ना किसी से लड़ाई किए हैं ना लड़ाई झगड़ा चाहते हैं। तो बीते दिन जो भी हो रहा है चीज़ें आप लोगों को तो सब दिख ही गया, और सबका अपना अपना ज़िंदगी है भाई, सब कोई जियो, लेकिन इस तरीके से किसी के साथ नहीं करना चाहिए कि कोई भी इंसान हो। तो आपका कैसा राय है बताइएगा, आपका जो भी राय हो बताइएगा आप लोग, कि हम लोग पूरा फैमिली सही डिसीजन लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो जैसा भी होगा आप लोग बता देना। वैसे तो हमारे हस्बैंड जी फ़ोन कर दिए हैं गांव में कि आप लोग बता दीजिए उनको कि अगर वो केस अपना आपस ले रही है तो मैं भी ले लूँगा। तो हमारे हस्बैंड जी फ़ोन कर दिए हैं उनको, ठीक है। तो हो सकता है कि शाम तक उनको पता चल जाए, कल पता चल जाए। तो जैसे ही वो घर पे राय लेंगे, उन लोगों का भी बोलेंगे कि हाँ भाई वो लोग रेडी हो गए हैं, वो लोग रेडी हो गए हैं, तो वो लोग जाके लेंगे अपना केस आपस, तो पीछे से मैं भी जाके ले लूँगी, ठीक है। और क्यों ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि उनका केस बहुत बड़ा एलिगेशन है, बहुत बड़ा, आप लोग समझ सकते हैं। तो जो भी इसके आगे आता है उनका जवाब आने वाला वीडियो में मैं बता दूंगी, जैसा होगा, जो भी कोर्ट में लिखा पड़ी होगा वो भी दिखा दूंगी कि ये चीज़ लिखा पड़ी हुआ है। जिस दिन ये केस ख़त्म हो जाएगा उस दिन से ना मैं इन लोगों से कोई मतलब रखूंगी, और ना ही इन लोगों से जो भी अब इन लोगों के बारे में सवाल आप लोग पूछिएगा वो मैं बताऊंगी, कोई मतलब नहीं है हमारा। क्योंकि मैं इन बीते दिनों इतना हमारा माइंडली टॉर्चर हुआ है, इतना माइंडली टॉर्चर हो गया है हमारा पूरा फैमिली का, कि हम लाइफ टाइम तक कुछ नहीं रखना चाहते। क्योंकि ना वो भी नहीं बनाएगी, ऐसा लिखा जाएगा कि हमारे बारे में हमारे कुछ भी उटपटांग, कुछ भी जो भी उटपटांग हो रहा है कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ वीडियो नहीं बनाएगी, ना मैं कुछ वीडियो कभी बनाऊंगी, जो भी आप लोग क्वेश्चन करोगे उसका जवाब भी नहीं दूंगी मैं। तो पहले ही यहाँ आप लोगों को ऑनलाइन बता रही हूँ कि ये केस ख़त्म होने के बाद उनका ज़िंदगी अलग है और मेरा ज़िंदगी अलग है। आप कोई भी क्वेश्चन अगर आके आप पूछते हैं कि अनिता जी ये कैसे हुआ, आप उसको नहीं कर रही हो, उनको नहीं देख रही हो, ये हो गया वो हो गया, वो हम नहीं करने वाले, ठीक है। हम ना बताएंगे आपको ना कुछ कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों में फंसे रहना नहीं चाहते, ठीक है। तो आप लोग सलाह कीजिएगा, जितने भी हमारे दोस्त व्यूअर्स हैं, कि क्या मैं सही कह रही हूँ, आप लोग बताइएगा।